Good morning, everyone. Let's start this lecture on Indian polity and governance. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. साथ ही हमने कल डिस्कस किया था द बैकग्राउंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स की कैसे दुनिया में शुरुआत हो रही है फंडामेंटल राइट्स के कंसेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशंस में इंश्राइन करने की. साथ ही हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या क्या नेचर क्या क्या फीचर फंडामेंटल राइट्स का होता है. तो अब हम सीधे इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डील करता है फंडामेंटल राइट्स से. आई रिपीट पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर. इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और आज दो आर्टिकल्स हम समझेंगे, आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13. ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स जान लेते हैं क्योंकि बहुत बात हम लगातार फंडामेंटल राइट्स पे करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ये, फंडामेंटल राइट्स वो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर. तो है क्या ये फंडामेंटल राइट्स, क्यों होते हैं एक्सेट्रा, आइए हम जानने की कोशिश करते. तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होती है वो एक इंडिविजुअल की राइट होती है. एक व्यक्ति के जो राइट्स होते हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. ठीक है, दे आर इंडिविजुअल राइट्स. इस बात को आप बहुत ध्यान में रखिएगा. दे आर नॉट राइट्स ऑफ अ कम्युनिटी और अ ग्रुप और सोसाइटी एट लार्ज. दे आर इंडिविजुअल्स राइट. एक व्यक्ति विशेष के जो अधिकार है दोज आर fundamental rights. And few fundamental rights are available only to citizens, while few are available to foreign nationals as well. ठीक है, इस बात की भी हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में एक्सेट्रा जो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ citizens के लिए अवेलेबल है और बाकी की फंडामेंटल राइट्स फॉरेन नेशनल्स के लिए भी अवेलेबल हैं. तो दोनों तरह की फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन और नॉन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल. अच्छा, अब सवाल ये यहां पर उठता है कि क्या कोई अंतर है फंडामेंटल राइट्स में और ह्यूमन राइट्स में. तो देखिए, ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो एक मनुष्य लेकर पैदा होता है. द राइट्स which are vested in the hands of a person by virtue of being born as a human. लेकिन एक human के तौर पर आपने जन्म लिया है और जो जो rights लेकर आप पैदा हुए हैं वो सारे के सारे rights constitution में provide नहीं होते हैं. ठीक है, सारे के सारे human rights constitution में cover नहीं हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन सारे ह्यूमन राइट्स को गारंटी नहीं कर सकता है. सो ऑल दोज ह्यूमन राइट्स विच आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, द राइट्स द ह्यूमन राइट्स विच आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. यहां पर एक टर्म पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, गारंटीड. कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये राइट्स नहीं दे रहा है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये राइट्स तो आप लेकर पैदा हो रहे हो. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू लाइफ नहीं दे रहा है. राइट टू लाइफ तो आपको मदर नेचर ने दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन बस उनको गारंटी कर रहा है, उनको एंश्योर करने की कोशिश कर रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप राइट टू लाइफ लेकर पैदा होते हो, आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है तो आपको ये राइट मिली है. कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इस राइट को गारंटी किया है, इंश्योर किया है कि हाँ आपको ये राइट इंश्योर होगी. ऑलराइट, अच्छा एक क्वेश्चन और यहां पर आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में अंतर है. तो यस, देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस.
ऐसे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी कर रहा है, दोज आर फंडामेंटल राइट्स, और ऐसे राइट जो आप किसी और स्टैट्यूट से, किसी और लॉ से, किसी और लीगल फ्रेमवर्क से अक्वायर करते हो, वो होती हैं आपकी लीगल राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ लीगल राइट का, राइट टू प्रॉपर्टी। कल हमने देखा था कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से उसको बाहर कर दिया गया। तो आप प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो, ये आपका लीगल राइट है। कुछ ऐसे लॉज हैं जो आपको ये अधिकार देते हैं कि आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, आप सेल से यानी कि परचेज करके प्रॉपर्टी रख सकते हो, आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकते हो अपने पेरेंट्स से, अपने फोर फादर्स से, आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकता है, इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर्टी का राइट हो जाता है। बट दीज आर लीगल राइट्स, दीज आर प्रोवाइडेड बाय सम अदर लॉज, सम अदर स्टैट्यूट्स, ठीक है। तो ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती हैं, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यहां पर एक टर्म पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, रीजनेबलनेस। क्या होती है भाई रीजनेबलनेस? रीजनेबलनेस होती है जस्ट एंड फेयर, विच इज जस्टिफाइड एंड फेयर इज रीजनेबल, ठीक है ना। तो वॉट एवर इज जस्टिफाइड एंड वॉट एवर इज फेयर इज रीजनेबल। तो रेस्ट्रिक्शंस जो फंडामेंटल राइट्स पर लगाए जाते हैं, दे शैल बी रीजनेबल, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं आप पर लगाए जाएंगे, ठीक है। अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए वो रेस्ट्रिक्शंस, वो रीजनेबल होने चाहिए, जस्ट एंड फेयर होने चाहिए। ये एक जरूरी बात है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती है, एंड दोज रेस्ट्रिक्शंस शैल बी रीजनेबल, ठीक है। इनको हम आगे और अच्छे से समझेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो उनके रेस्ट्रिक्शंस भी देखेंगे और जानेंगे कि कैसे वो रीजनेबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जनरली एनफोर्सिएबल अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। आर्बिट्री एक्शन यानी कि अनरीजनेबल एक्शन, यदि स्टेट आपके अगेंस्ट कुछ अनरीजनेबल एक्शन ले रहा है, भाई यदि रीजनेबल एक्शन ले रहा है तो दैट इज द रेस्ट्रिक्शन जो कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, अनफेयर है, वो स्टेट आपके अगेंस्ट ले रहा है और वो कर्टेल डाउन करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, या सब्जुगेट करने की कोशिश करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को, दबाने की कोशिश करता है, तो इन फंडामेंटल राइट्स को आप स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्स करा सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है, लेकिन कुछ एक राइट्स ऐसी है जो कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर थ्री फंडामेंटल राइट्स विच आर ऑल्सो एनफोर्सिएबल अगेंस्ट इंडिविजुअल, वो है आर्टिकल 17, दैट इज राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनटचेबिलिटी कर रहा है, छुआछूत कर रहा है, तो दिस राइट कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट दैट पर्सन। आर्टिकल 23 और 24 जो बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, तो यदि आपको स्टेट एक्सप्लॉयट कर रहा है या फिर इवन कोई इंडिविजुअल एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आप ये फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सकते हो। तो जनरली द राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर आल्सो एनफोर्सेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल, ठीक है। और क्या पर्पस है इस फंडामेंटल राइट्स को रखने का, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझते हुए बहुत अच्छे से जाना था कि द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज टू प्रिवेंट अ स्टेट फ्रॉम बीइंग टोटलिटेरियन।
एक स्टेट बेलगाम घोड़े की तरह बिहेव ना करे, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत जरूरी है। स्टेट एक निरंकुश एंटिटी ना बन जाए, डेस्पोटिक एंटिटी ना बन जाए, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए, वो पावर को बैलेंस करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि स्टेट पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से कि वो फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर ही काम करेगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स को इंफ्रिंज नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल डाउन नहीं करेगा, ठीक है। ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स के नाम पर लगाया गया है स्टेट पर, तो स्टेट को फंडामेंटल राइट्स रोकती है टोटलिटेरियन बनने से, ठीक है। कैसे रोकती है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है उनमें से ज्यादातर आप देखेंगे तो वो नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है वो रोक रही है स्टेट को, पॉजिटिव ऑब्लिगेशन वो होती है जो आपसे कुछ करने को कहती है कि आप फला काम करो, और नेगेटिव ऑब्लिगेशन होती है जो आपको कुछ काम करने से रोकती है कि आप फला काम मत करो। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आर्टिकल 14, स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। स्टेट किसी भी पर्सन को इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देने से डिनाई नहीं कर सकता। सो दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज डिनाइंग द स्टेट, इज controlling the state, preventing the state from denial of the right to equality. ये article 14 state को रोक रहा है denial of right to equality से। तो ज्यादातर fundamental rights जो है वो negative obligation of state है, वो रोकती है state को कुछ काम करने से। Alright, आगे बढ़ते हैं और अगला point हमारा कहता है They are justiciable in nature. Fundamental rights are justiciable in nature. इसका मतलब यह है कि they are enforceable by any court of law. यदि आपके fundamental rights breach हो रहे हैं, violate हो रहे हैं, infringe हो रहे हैं, abridged हो रहे हैं, या फिर curtail down हो रहे हैं, subjugate हो रहे हैं, तो आप court जा सकते हो उनके enforcement के लिए। This means they are justiciable in nature. हम जब preamble पढ़ रहे थे तो हमने इसका ठीक उल्टा पढ़ा था कि preamble is not justiciable, यानी कि आप preamble के enforcement के लिए court में नहीं जा सकते। But यदि fundamental rights infringe हो रही है तो आप directly supreme court जा सकते हो under article 32. आप supreme court जाकर कह सकते हो कि honorable lordship, Please protect our fundamental rights. Please ask the state to enforce our fundamental right. आप स्टेट को रोकिए हमारी फंडामेंटल राइट्स को सब्जिगेट करने से। सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एल्स हमने ये भी देखा था कि एक प्रॉपर चैनल होता है कोर्ट्स का, आप लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट में जाते हो किसी भी लीगल राइट के इंफ्रिंजमेंट के लिए। सबसे छोटा जो कोर्ट होगा जिसके पास वो ज्यूरिसडिक्शन होगा उस पर्टिकुलर मैटर को देखने के लिए, आपको सबसे पहले उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, नहीं जाना आपको लोअर कोर्ट, नहीं जाना हाई कोर्ट, आप सीधे आर्टिकल 32 के वर्च्यू से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ और जाकर वहां पर रिक्वेस्ट करो, पिटिशन करो कि सर हमारे फंडामेंटल राइट एनफोर्स करा दो, ठीक है। सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर। देन नेक्स्ट पॉइंट सेज दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर। हमने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। So this is one of the reasonable restriction. यदि कंट्री में नेशनल एमरजेंसी वाले हालात हैं, तो नेशनल एमरजेंसी वाली सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है।
ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। नेशनल इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है। जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तब हम इसको फिर से देखेंगे, और जब आर्टिकल 20 और 21 पढ़ रहे होंगे तब भी हम देखेंगे कि क्यों ये दो आर्टिकल्स नेशनल इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, तो ये पॉइंटर आप याद रखिएगा। और फाइनली दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। फंडामेंटल राइट्स परमानेंट नहीं होती हैं, दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट। फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हमें ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक डॉक्ट्रिन है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी केशव नंदा भारती केस में, जिसमें कहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट का, और वो अनलिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट है, और ये अनलिमिटेड पावर इंक्लूड करता है फंडामेंटल राइट्स का भी अमेंडमेंट, लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो बुनियादी ढांचा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अमेंड तो आप कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करोगे। ठीक है, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, जो स्पिरिट है, जो सोल है, उसको आप चेंज नहीं करोगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे। बॉडी में आप जो चाहे सो चेंज कर लो, है ना। फंडामेंटल राइट्स भी अमेंडेबल है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे फंडामेंटल राइट्स का नेचर बताते हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे वन मार्क या वन लाइनर या वन वर्ड एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और एक डिटेल आंसर भी लिखने आपको आ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सारे लोग फंडामेंटल राइट्स का नेचर समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं कि किस आर्टिकल का मतलब क्या है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था क्या कि फंडामेंटल राइट्स आर जनरली एनफोर्सिएबल अगेंस्ट दी स्टेट, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये भी देखा था कि दीज आर जनरली द नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, है ना, ये स्टेट को रोक रही है कुछ काम करने से। तीसरी बात हमने ये भी देखी थी कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट को टोटलिटेरियन होने से बचा रही है, हमारा स्टेट इंडियन स्टेट टोटलिटेरियन ना हो जाए, इससे इसको रोक रही है कौन, फंडामेंटल राइट्स। तो सवाल ये आता है कि साहब स्टेट की डेफिनेशन में क्या है, क्या यहां स्टेट से हमारा मतलब है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश या गोवा, या फिर स्टेट से हमारा मतलब है सिर्फ इंडिया। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम टर्म स्टेट यूज कर रहे हैं तो हमारा मायना क्या है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, और ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है स्टेट। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, स्टेट मींस एंड इंक्लूड नंबर वन द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नंबर वन द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन लेजिस्लेचर इज स्टेट। ठीक है, हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, और सरल भाषा में जो कहूं तो मोदी जी की जो सरकार है, वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है, और साथ ही साथ देश की संसद, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। फर्दर द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है, राज्यों की जो सरकार है,
एमपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट एक्सेट्रा एंड देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर, विधानसभा भी स्टेट की श्रेणी में आती है, और जिन जिन स्टेट में विधान परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट है, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पर भी वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी. सो द स्टेट ऑल्सो इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स. ठीक है, तीसरे नंबर पर हम आए तो ऑल अदर लोकल अथॉरिटीज लाइक पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला परिषद, जनपद पंचायत वगैरह वगैरह, जो भी लोकल अथॉरिटीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, कैंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा, ये जो लोकल अथॉरिटीज हैं, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं. एंड लास्ट पॉइंट सेज ऑल अदर अथॉरिटीज लाइक पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऐसी अथॉरिटीज जो ओन्ड एंड रन बाय स्टेट है, वो सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं. ऐसी अथॉरिटीज को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, PSUs, या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, PSE. All other authorities like public sector unit, that is ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, SAIL, Steel Authority of India Limited, LIC Life Insurance Corporation, ये सारी public sector units हैं, ये owned and run by Government of India हैं, इसलिए ऐसी authorities भी state की कैटेगरी में आएंगी. ठीक है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंटर वहां पर लिखा हुआ है कि स्टेट इज डिफाइंड इन वाइडर सेंस टू कवर ऑल इट्स एजेंसीज. बहुत ही ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन स्टेट का यहाँ पर दिया गया है, ताकि वो कवर कर सके उन सारी एजेंसीज को जो स्टेट के जैसे फंक्शन कर रही है. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट शैल बी कवर्ड इन द डेफिनेशन. यानी कि यदि कोई भी ऐसी प्राइवेट बॉडी है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत सरल उदाहरण से आप समझ लो, स्टेट का काम है सड़कें बनवाना. अब स्टेट का काम है सड़कें बनवाना, तो स्टेट खुद तो जाकर सड़कें नहीं बना सकता, आपके विधायक या सांसद खुद तो सड़क नहीं बनाएंगे, वो ये काम किसी को डेलीगेट करेंगे. अब उनने ये काम दे दिया किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को, तो जब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भी स्टेट की डेफिनेशन में कवर अप हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए स्टेट को बहुत ब्रॉडली कवर किया गया है आर्टिकल 12 में. ऑलराइट, यानी कि जब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर स्टेट के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो वो भी किसी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकता, वो करेगा तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो कोर्ट में, यही कह के कि साहब स्टेट ने हमारी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच किया है. ठीक है, सो दिस वॉज आर आर्टिकल 12. ये आर्टिकल 12 हमें बताता है कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या है. याद रख लो, सबसे ऊपर के लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन लेजिस्लेचर, उससे नीचे आप आओ तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसके नीचे आप आओ तो लोकल बॉडीज लाइक पंचायत एक्सेट्रा, और नीचे आओ तो ऐसी अथॉरिटीज जो ओन्ड बाय स्टेट है, वो सारी भी इसमें कवर अप हो जाएंगी. And lastly, all the private individuals or agencies working on behalf of state, ये सब state की definition में cover होता है. ठीक है, ये बात जहां पर article 12 को समझते हुए एक बात आप अपने जहन में बहुत अच्छे से बिठा लो कि fundamental rights किसके against generally enforceable है, state के. तो जब भी हम बात करेंगे किसके against enforceable है, इन सारी bodies के जिनकी हमने discussion था. दूसरा, फंडामेंटल राइट जनरली नेगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट है, यानी कि वो स्टेट को रोक रही है कि वो फंडामेंटल राइट्स
में एनक्रोच ना करें तो किन किन को रोक रही है, इन सारी अथॉरिटीज को। थर्डली फंडामेंटल राइट्स रोकता है स्टेट को टोटलिटेरियन बनने से, तो किन किन को रोक रहा है, इन सारी बॉडीज को वो टोटलिटेरियन बनने से रोक रही है फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रहेगी। ये यदि आपको कॉन्सेप्चुअली यहां पर क्लियर हो गई तो आगे जाकर आपको बहुत इजी पढ़ने वाला है ये टॉपिक। फाइव,